गाइस इस वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को मतलब अगर आप क्विक बस इस तरह से मैं आपको हेलो गाइस नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? देखो मेरे पीछे कौन बैठा हुआ है। मैक्सू से हेलो टू एवरीवन। मैक्सू इधर देखो, मैक्सू नहीं कोई वैल्यू नहीं है गाइस, नहीं देख रहा, इसका मूड नहीं कर रहा। तो गाइस कैसे हो आप सब? अब मुझे समझ नहीं आ रहा, मैं मिरर के सामने वीडियो बना रही हूँ, मैं फ़ोन में देख के वीडियो बनाऊँगी आपको देख के, और दूसरा बच्चा वो बेड पे रहा देखो, क्योंकि मैंने जहाँ पे बैठना होता है ना गाइस, इन दोनों ने वहीं पे बैठना होता है ना। सो गाइस अभी दोपहर का टाइम है और आज ईद है, तो हैप्पी ईद टू एवरीवन। और जो लोग ईद को सेलिब्रेट करते हैं उनको तो बहुत 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 ज़्यादा हैप्पी ईद फ्रॉम माय साइड। और मेरा ना एक्चुअली यार गाइस मन कर रहा था एक वीडियो बनाने का, मैं सोच रही थी मैं यहाँ देख के बात करती हूँ। तो गाइस मैं सोच रही थी कि क्यों ना एक लुक रिक्रिएट कर लिया जाए। ऐसे मेरे पास मतलब ऑप्शंस तो काफ़ी हैं। मेरा मन कर रहा था क्यों ना ब्लैक साड़ी पहन के कुछ ऐसे ईद वाला लुक बनाऊँ, फिर मैंने कहा नहीं यार साड़ी कौन पहनेगा। उसके बाद मेरा मन किया कि एक ना मैंने शरारा ड्रेस बनाई हुई थी जब मैं व्लॉगिंग नहीं करती थी, तो ना अगर मुझे फ़ोटोग्राफ मिली मेरी पुरानी कोई ना, तो उसमें मैंने पूरा साइड पासा लगाया हुआ है शरारा एंड क्रॉप टॉप स्टाइल ड्रेस बनाई हुई है, और वो बहुत अच्छा लगा था। और गाइस मैं ना बिल्कुल एकदम ऐसे पाकिस्तानी स्टाइल लुक दे रही थी उस टाइम पे, मतलब वो वाला लुक जो था मेरा बहुत अच्छा बना था। और वैसे वो मैंने करवा चौथ के लिए बनाया था लुक, तो वो बाई चांस ही मेरा ऐसा लुक बन गया था, लाइक जैसे मुस्लिम गर्ल्स होती हैं ना वो रेडी होती हैं ऐसे ब्राइडल्स, तो उस तरह का कुछ लुक बन गया था, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा। तो गाइस बट अभी वो मैंने कहीं पैक करके रखा हुआ है, बिल्कुल अभी गर्मी में अलमीरा खोल के उसको पहनने का मन नहीं है, तो वो चलो पहना हुआ है तो मैं सोच रही हूँ चलो फिर कभी बना लूँगी। उसके बाद वेलवेट सूट भी है जो अभी मैंने एक बार भी पहना नहीं है, जिसका मैं आपके साथ कह रही थी कि लुक रिक्रिएट करूँगी कुछ ऐसे, मतलब एक तो मैंने अपने जब हिमाचल गई हुई थी घर पर उधर मैंने बनाया था, तो वो पर्पल कलर का था और हिमाचली ट्रेडिशनल ज्वेलरी के साथ मैंने लुक बनाया था है ना। लेकिन एक और मैंने वेलवेट का सूट ऑनलाइन परचेज़ किया था और वो बहुत सुंदर है, और अभी तक मैंने उसको एक बार भी नहीं पहना गाइस। उसके लिए भी मैं कुछ स्पेशल सा लुक बनाऊंगी, क्या पता मैं वही ले जाऊँ अब, क्योंकि जून की हॉलीडेज़ होने वाली है और वहाँ जाके क्या पता अच्छा सा कुछ लुक क्रिएट करूँ है ना। तो अभी मैं वेट कर रही हूँ, देखती हूँ क्या करना है। और गाइस पूरा दिन ऐसे ही निकल जाता है, तो मैं रोज़ सोचती हूँ ये वीडियो बनाऊँ पर करते करते मेरे हाथों में अभी सामने था एक, मैंने ना वाइट कलर का चिकनकारी ड्रेस मंगाया हुआ था, बट अभी तक मैंने उसको जस्ट मंगा के रखा ही हुआ था गाइस, अभी तक मैंने उसको एक बार भी ट्राई नहीं किया है। इवन मैंने उसको सिर्फ जब वो आया था थोड़ा सा ओपन करके देखा था, तो मुझे ना आजकल चिकनकारी का बहुत ज़्यादा क्रेज़ हो गया है, और चिकनकारी का क्रेज़ इस तरह से हो गया है क्योंकि उसको आप डेनिम्स के साथ वेयर कर सकते हो, शॉर्ट्स के साथ वेयर कर सकते हो, किसी भी तरह से स्टाइल कर सकते हो, ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ वेयर कर सकते हो, और किसी भी तरीके से आप उसको स्टाइल कर लो यार, अच्छा लगता है चिकनकारी कुर्ता या चिकनकारी ड्रेस। सो वैसे मैं पहनती कम हूँ इंडियन अटायर्स, मतलब मुझे कूल ऐसे लगता है कि बस घर में शॉर्ट्स पहन लो, नाइट वेयर नाइट सूट्स पहन लो तो मैं कंफर्टेबल रहती हूँ, और बाहर अगर कहीं जाना हो तो वेस्टर्न ड्रेसेस ही मैं ज़्यादा पहनती हूँ है ना, बिकॉज यहाँ का क्लाइमेट ही ऐसा है कि आपको समझ ही नहीं आता घूम फिर के आप वहीं पर आ जाते हो, कोई बस टी शर्ट पहन ली, डेनिम्स पहन ली या कुछ पहन लिया इस तरह से, या फ्रॉक्स पहन ली, कोई शॉर्ट ड्रेस पहन ली है ना। तो चलो गाइज मैं ना अब ज़्यादा बातें नहीं करूँगी और आप सबके साथ काम की बात करूँगी है ना। तो मैंने क्या किया अभी हेयर्स को मैंने कुछ नहीं किया है, बट मैंने यहाँ हल्का सा ना ज़्यादा मेकअप तो नहीं किया मैंने ना, बट मैंने यहाँ आप देख सकते हो आईज़ में ना थोड़े से ग्लिटर लगाए हैं, लाइक मैंने थोड़ा सा आईज़ का मेकअप कर लिया था, बिल्कुल माइल्ड सा मेकअप किया गाइज, कुछ भी मैंने मेरे को था कि मैं ड्रेस का वो करूँ, लेकिन प्रॉपर हेयर स्टाइलिंग तो अभी नहीं कर पाऊँगी, बट देखती हूँ कुछ ना कुछ बना ही लूँगी, कुछ ना कुछ कर ही लूँगी। तो मैं चाहती थी कि वो वाला ना वाइट सूट मैं पहन के देखती हूँ, और एक तरह से उसके साथ कौन सी ज्वेलरी जाती है, क्या करना है, तो एक ईद का लुक बन जाएगा मतलब जैसे ना, तो मेरा मन कर रहा था कुछ करने का ऐसे। तो चलो यार गाइस, तो गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखो मैं आपको यहाँ पे अपना सूट दिखाने लगी थी, बट यहाँ पे तो ये लड़की आ गई, तो चलो लड़की हेलो बोलते हैं सबको। हेलो गाइस, हाय, हैप्पी ईद टू एवरीवन, हे वेलकम टू माय मॉमी चैनल, सो प्लीज सब्सक्राइब माय मॉमी चैनल गाइस,
मैं भी होता हूँ इस वीडियो में अगर आपने मुझे देखना। और यहाँ पे मैक्चू भी बैठ गया मेरे पास आके। सो गाइज अभी ना मैं इस लुक में हूँ घर के, और ये दोनों बच्चे मेरे साथ आके बैठ गए हैं, तो फटाफट से मैं आपको ये दिखा। सो गाइज अच्छी तरह से रेडी होने का बिल्कुल भी टाइम नहीं था मेरे पास, तो मेरा ना वैसे ही मन कर गया था मतलब किसी दिन स्पेशली वीडियो बनाऊंगी अच्छी तरह से रेडी होके। अब एक्चुअली मैं आपको बता देती हूँ मैंने क्या किया है। मैंने एक लो बन बना लिया है, बहुत ही सोफिस्टिकेटेड सा लुक है, और मैंने बस थोड़ा सा आई मेकअप किया था, तो आप देख सकते हो कि थोड़ा सा ग्लिटर्स मैंने वाइट कलर के ही ग्लिटर्स मैंने इसमें लगाए थे आईज़ में, और मैंने लाइट कलर की लिपस्टिक ही लगाई है, और थोड़ा सा ब्लश लगा लिया, दैट्स इट। और गाइस ये चोकर लाइक ऑक्सीडाइज्ड इस ड्रेस के साथ इतना अच्छा जा रहा है ना यार गाइस कि मैं क्या ही बोलूँ आपको। मतलब अगर आप कोई लुक बनाना चाहते हो, जैसे कि मेरा मन कर गया एकदम से कि कुछ ईद का लुक बना लिया जाए, तो मेरे माइंड में बस एक ही आया कि क्यों ना अगर आपको कोई बोले कि आपको फटाफट रेडी होना है और कुछ ऐसा लुक बनाओ, तो मैंने ना ये लुक बना लिया। तो सबसे बड़ी बात थी काली कुर्ती के साथ ना जो ये है मेरा चोकर, इसने तो चार चांद लगा दिए यार गाइस। तो इस तरह से आप देख सकते हो जो उन्होंने कॉटन का इनर दिया था उसको मैंने बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, तो मैंने इनर में इस तरह से पहना, बिकॉज ट्रांसपेरेंसी तो थोड़ी सी अच्छी लगती है चिकनकारी में गाइस। और मैंने ये ऑक्सीडाइज बैंगल पहन लिया है, तो मैं सेट आपको दिखाती हूँ। ये कितना सुंदर चोकर है यार गाइस, आप देख सकते हो इसको, आप लाइक इसको आप वेस्टर्न के साथ भी वेयर कर सकते हो, मतलब जैसे वाइट शर्ट पहन ली और डायमंड्स पहन ली या कुछ इस तरह से, मतलब कुछ भी लुक क्रिएट कर सकते हो। बस इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ कि कितना सुंदर इसका वर्क किया हुआ है। और गाइस मुझे ये लुक इतना अच्छा लग रहा है, इतना सोफिस्टिकेटेड सा, आप देख सकते हो यार गाइस, मतलब मैंने कुछ भी नहीं किया ज़्यादा, और वाइट तो OMG लाइक मेरा ऑल टाइम फेवरेट कलर है ना, मतलब कुछ समझ ना आए तो वाइट कलर का आप कुछ भी पहनो इतना सुंदर था। और यार इसके सितारे देखो कितना जगमग कर रहे हैं, पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा, वीडियो में इतना नहीं दिख रहे लेकिन रियल में तो यार गाइस। और ये कुर्ती देखो, ये फुल वर्क कुर्ती है, और मैंने मतलब यहाँ से भी ट्रांसपेरेंट है यहाँ से भी, और इसका साइज़ मुझे एकदम परफेक्ट आया है गाइज, और ये इतनी सुंदर लग रही है ना, पूरा नीचे तक फुल जाल वाला काम किया हुआ है ना। और जो इसका प्लाजो है गाइज, इसकी फिटिंग भी बहुत अच्छी आई है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, और आप नीचे देख सकते हो, मैं आपको पास से दिखाती हूँ, बहुत सुंदर इसका काम है। और गाइस मैंने ना इसके साथ ही मैं ना पंजाबी ये जूती लेके आई थी, ये इसमें देखो डिज़ाइन कितना, इसके ऊपर पीकॉक बने हुए हैं गाइस, और ये जूती भी मेरी ड्रेस के साथ इतनी अच्छी जा रही थी ना गाइस कि मैं ना एक्सप्लेन ही नहीं कर पा रही यार गाइस। तो मुझे ना कुल मिला के अपना ईद वाला ये लुक बहुत ही अच्छा लगा, मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। मैं चाहती तो मैं बहुत फुल मेकअप कर सकती थी और ज़्यादा हेयर स्टाइल अच्छे से बना सकती थी इसके साथ, आप चाहो तो पासा भी लगा सकते हो, झुमके भी पहन सकते हो गाइस, बट यार गाइस ज़रूरत ही नहीं है इतना सा, इस तरह का लुक भी बहुत अच्छा लगता है यार गाइस, है ना। और मतलब क्या ही बोलूँ यार, स्पीचलेस सीरियसली, इतना अच्छा लग रहा है मतलब ना। तो कुछ कुल मिला के मैंने अपना ईद का लुक तो क्रिएट कर ही लिया गाइस, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि आपको मेरा ये लुक कैसा लगा यार गाइस, बिकॉज बहुत मन। बैक से भी मैं आपको दिखा देती हूँ कि बिल्कुल भी ऑकवर्ड नहीं लग रहा ये, बिकॉज क्या है कि जो चिकनकारी कुर्तीज़ होती है ना उसमें इस तरह की ट्रांसपेरेंसी अच्छी लगती है। आप चाहो तो अगर कोई कंफर्टेबल नहीं है तो वो जैसे कि कुछ लोग ब्रालेट वगैरह पहनते हैं या लाइक स्पोर्ट्स भी, मतलब किसी भी जाएगा तो इसके अंदर वाइट कलर ही है ना, तो वो अच्छा लगेगा। और गाइज अगर आप कॉटन का जो अंदर मिलती है इसकी वो शर्ट जैसी, मुझे बोलने नहीं आ रहा उसका नाम, उसको भी पहन सकते हो, है ना। तो कुल मिला के बहुत अच्छा लग रहा है, बट अगर आपको फ्लॉन्ट करना है तो कुछ इस तरह से भी आप पहन सकते हो गाइज। और मेरा लो बन आपको कैसा लग रहा है, मैं मेरे को मोस्टली ये चीज़ करना बहुत अच्छा लगता है, कुछ समझ नहीं आता तो मैं लो बन बना लेती हूँ गाइज।
गाइज मेरा बहुत ज़्यादा मन कर रहा है कि मैं यहाँ साइड पे पासा वासा लगा लूँ, बट ना वो पासा जो है वो उसमें पर्ल्स का वर्क किया हुआ है और मिरर, तो वो ना ऑक्सीडाइज ज्वेलरी के साथ बिल्कुल भी नहीं जा रहा था। सो मुझे लग रहा था कि मिसमैच हो जाएगा, इसलिए मैंने उसको यूज़ नहीं किया। अदरवाइज़ आप पासा भी यूज़ कर सकते हो, और अगर आपको नॉर्मली जाना है कहीं तो फिर लाइक आपको ईद वाला फील भी चाहिए, इस तरह का कुछ ओकेजन वाला, तो आप इस तरह सा सिंपल सा लुक भी क्रिएट कर सकते हो, है ना। तो अच्छा लगता है गाइस, है ना। और वेदर के अकॉर्डिंगली तो मुझे लगता है कि इससे ज़्यादा कुछ और करना बनता नहीं है, बिकॉज इतना बहुत है। इसके साथ के वाले इयररिंग्स भी थे बट मैंने नहीं पहने, बिकॉज मुझे नहीं मन कर रहा था। सिर्फ ये इसी ने चार चांद लगा लिए गाइस। और फिर गाइज चूड़ियों की आवाज़ भी कितनी अच्छी लग रही है ना। तो गाइज मेरे को तो ये बहुत अच्छा लगा, और आज मेरा कुछ मीठा खाने का मन कर रहा है, तो ईद भी है, तो मैं सोच रही थी कि आज मैं वर्मिसेली खीर बनाऊंगी शाम को। तो गाइज मेरे को तो अपना लुक सोफिस्टिकेटेड सा लगा, अच्छा लगा, है ना। आई होप आप सबको भी अच्छा लगा होगा। तो गाइज आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताना ज़रूर। वैसे मैं इसके साथ बहुत कुछ ट्राई कर सकती थी, बहुत कुछ लाइक अभी इसको अगर रिमूव कर देती तो मैं इयर रिंग्स के साथ भी, बड़े बड़े झुमकों के साथ भी कर सकती थी, और अगर मुझे वो सेट वेयर करना होता पासा वाला तो वो भी पहन सकती थी, है ना। हाई हील्स के साथ भी आप कर सकते हो, या जो मैंने फ्लैट स्लीपर्स जो पहनी हुई हैं वो भी बहुत सुंदर लग रही हैं इसके साथ, है ना। तो करने को आप बहुत सारे लुक्स क्रिएट कर सकते हो एक ही ड्रेस के साथ, बट मुझे इस तरह से अच्छा लगा कि अगर मुझे कभी रेडी होना हो तो मैं इस तरह से भी इस ड्रेस के साथ रेडी हो सकती हूँ बिल्कुल सिंपल तरीके से। तो गाइस होप करती हूँ कि आपको मेरा ये प्यारा सा क्यूट सा मेरा छोटा सा एफर्ट अच्छा लगा होगा, और मेरा वीडियो भी आपको अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको अच्छा लगा है मेरा वीडियो तो आप मेरे वीडियो को लाइक कर देना, एंड फैमिली एंड फ्रेंड्स में भी शेयर कर देना, एंड जो मेरे चैनल में नए हैं वो चैनल को भी कर देना सब्सक्राइब, मुझे अच्छा लगेगा गाइज। अगर आप और अच्छे अच्छे वीडियोस देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे मोटिवेशन मिलता है। और मैं कोशिश करती हूँ कि अच्छे से अच्छे वीडियोस बनाऊँ, कुछ एंटरटेनिंग हो, फैशन से रिलेटेड हो। डॉग्स तो मेरे घर में हैं ही हैं, और ट्रैवल वीडियोज़ भी बनाती हूँ। फूड मैं ज़्यादा एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मैं कहीं भी जाती हूँ तो अच्छे फूड के वीडियोज़ मैं डाल देती हूँ, या कभी कुछ ऐसे बनाऊं घर में तो मैं मतलब कुछ ना कुछ बना देती हूँ, है ना। तो मिक्स वीडियोस होते हैं, एंटरटेनिंग वीडियोस होते हैं। सो गाइस ये वाला लुक तो हर कोई नहीं बना सकता, बिकॉज़ ये मैंने इसलिए बनाया बिकॉज़ एक तो ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी है, और हमारे हिमाचल में क्या है कि रियल की सिल्वर ज्वेलरी होती है, और उस ज्वेलरी को हम लोग हेड में इस तरह से पहनते हैं। हिमाचल के किसी भी कोने में चले जाओ तो वहाँ की जो सिल्वर ज्वेलरी होती है वो हमारे मतलब वहाँ ट्रेडिशन है कि आप लोग जो लोग मतलब जैसे मेन जो किन्नौर के लोग हैं, सॉरी लोग जो किन्नौर, टंग स्लिप हो जाती है गाइस कई बार, शर्म आती है कई बार वीडियोस बनाने में, भी इतना एक्सपीरियंस नहीं है ना गाइस, तो सॉरी हाँ उसके लिए। तो जो हमारे किन्नौर के लोग हैं जब उनकी शादी होती है लड़कियों की, तो उनके पूरे फेसेस ज्वेलरी से ढके रहते हैं कवर्ड, और वो लाइक सिर से लेके पैर तक चांदी और सोने की ज्वेलरी से लदी हुई होती है। इस वाली ऑक्सीडाइज ज्वेलरी को देख के मुझे अपने हिमाचल की याद आ गई, तो मैंने सोचा कि क्यों ना इसको सिर पे भी पहन के इस तरह से वीडियो बना लूँ, है ना। तो ये लुक भी बहुत अच्छा लग रहा है यार गाइज, बिकॉज मुझे तो हैबिट है देखने की, बिकॉज हमारे वहाँ पे तो शिमला, मनाली, चंबा, किन्नौर, हर जगह जितने भी 12 स्टेट्स हैं हमारे हिमाचल की,
तो हेड पे इस तरह से ज्वेलरी पहनने का वहाँ पे रिवाज है। सो गाइज़ मैंने ऐसे पहनी है, मुझे अच्छी लग रही है। कई लोग कैप, हिमाचली कैप लगा लेते हैं, उसके साथ भी पहनते हैं, है ना। तो सबके अपने अपने ट्रेडिशंस होते हैं। सो मैं आपको अपनी सिल्वर ज्वेलरी भी दिखाऊंगी किसी दिन रियल। अभी मैं सोच रही थी कि इस बार मैं परचेज़ करूंगी। एक्चुअली वो बहुत हैवी सेट्स होते हैं, हैवी टिका होता है, गोल्ड की तो है बट सिल्वर मैंने अभी ली नहीं। तो देखो अगर लूँगी तो मैं आपको मैं आपको किन्नौरी ब्राइडल दिखाई देती हूँ गाइज़, कि क्योंकि देश के कोने कोने में कोई भी हमारा वीडियो कहीं से भी देख रहा होएगा, है ना, तो उनको पता होना चाहिए। तो ये लिखा हुआ है हिमाचल द हिमालय कंट्री, और ये किन्नौरी ब्राइड है गाइज। और आप देख सकते हो ये सिर पे इस तरह की हैट्स पहनते हैं और फेस पूरा कवर्ड रहता है उनका ज्वेलरी से, और यहाँ से लेके पूरी इस तरह का नेकलेस हमारे ट्रेडिशन में भी पहनते हैं चंबा वाली साइड, और बहुत बड़ा टिक्का होता है। तो इस तरह से ये किन्नौरी ब्राइडल्स होती हैं और डिफरेंट डिफरेंट तरह की। तो एक बार फिर से आपको हैप्पी ईद। तो चलो फिर मैं आप लोगों से मिलती हूँ नेक्स्ट एक और अच्छे से प्यारे से क्यूट से वीडियो में। तो तब तक आप अपना ध्यान रखना। बाय बाय, टेक केयर, लव यू।